फील कर सकते हो पूरा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चाइना की दीवार के बाद ये दूसरी सबसे लंबी दीवार है। ऐसे बना के दिल्ली में औज खास नहीं है भाई। ये घाटी तो यार बहुत सुंदर लगी मुझे तो सच में। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई आज आ रहे हैं सबसे पहले कुंभलगढ़, हल्दी घाटी, और उसके बाद टाइम मिला तो रात को सिटी लेक भी जाएंगे उसका नाइट शो देखने। और सो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना यार। तुम्हारे भाई तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है। और जिन्हें उदयपुर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लो, ये लाल कलर का बटन दबा के, और 1 घंटा जरूर दबा देना, टन 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 ऐसे करके। तो मिलते हैं लोकेशन पर, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो गाइस 2 घंटे लग गए उदयपुर से कुंभलगढ़ आने में और कुंभलगढ़ पहुंच चुके हैं भाई। पीछे व्यू देख लो एक बार, दिखा भाई व्यू दिखा, ठीक है। और बहुत ही और बहुत सुंदर नज़ारा है, बहुत हाइट पे है ये। सो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा चाइना की दीवार के बाद ये दूसरी सबसे लंबी दीवार है। तो गाइस ये दीवार देखो आप कितनी बढ़िया है यार, और ये कहाँ तक है देखो। सही में यार देखने लायक चीज़ है मन भाई ये तो। और ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद सेकंड नंबर पे है जो सबसे हाइट पे है। और यहाँ क्या आप फील कर सकते हो पूरा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, बिल्कुल वैसा का वैसा सीन है, डिट्टो। गाइस अभी मैं और अमन आ चुके हैं तोप खाना में, जहाँ पे तोप रखी है जो पुराने ज़माने में यूज़ हुआ करती थी। उस टाइम भाई ये तुम्हारी AK-47 वगैरह तो थी नहीं उस टाइम, तो सीधी तोप चलती थी। और ये पीछे है भारी गोले वाली, भारी भरकम गोला तोपे। अरे तो टूटी वगैरह पड़ी है, टूट रखी है, काफी पुरानी है मेरे भाई यार। See this baby। तो काफी हाइट पे आ चुके हैं भाई। और मेन किला ये है, इसके ऊपर जाके अभी नीचे का व्यू दिखाएंगे। बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है मेरे हिसाब से, बहुत अच्छा आएगा और तुम देख ही लेना। उससे ऊपर से पता चल जाएगा कितनी लंबी और दीवार है ये। तो अभी वहाँ तक जाना है, आधी ऊंचाई हमने कवर कर ली है, आधी और करनी है। तो चलते हैं फिर ऊपर। मौसम भी भाई ठीक है, तो ना सर्दी है ना गर्मी है। हाँ, फैब में आओगे तो ठीक ठाक है, मतलब इतने पसीने नहीं आ रहे हैं, ठीक है। वैसे अगर आपको यहाँ उदयपुर वगैरह आना है तो जनवरी में आ सकते हो आप। और ये भाई साहब अपने शरीर का प्रदर्शन करते हुए गर्मी लग रही है इसलिए उतार दी। ये थोड़ी बॉडी वोडी बना के आए हैं तो हवाबाजी कर रहे हैं। 2-4 दिन डंबल क्या उठा ली इनने। ये पता है ऐसे बना के दिल्ली में औज खास नहीं है भाई। वो छोटे छोटे कोपचे ये कोपचे बना रखे छोटे छोटे लवर पॉइंट। कम विद मी। दीवारों पे किसी कृपया दीवारों पे लव लेटर ना लिखे, अपनी दिल की इच्छा को प्रकट ना करे। काफी हाइट है यार इसकी तो। हे भगवान, गो गो गोविंदा जी। भाई यहाँ से व्यू दिखाऊं एक बार नीचे का। तो गाइस ये महाराणा प्रताप का बर्थ पैलेस है, देखो जैसा कि यहाँ लिख भी रखा है। ये हम आ चुके हैं कुंभलगढ़ के सबसे ऊपर हाइट पे, बिल्कुल ऊंचाई पर। वो दीवार तो विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। और यहाँ से एक बार व्यू देख लो भाई आप। जहर बहुत मस्त वाली फीलिंग आ रही है। ये देखो व्यू, बोरी रोड वहाँ से हमारी गाड़ी आई थी। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं हल्दी घाटी। और इस घाटी की यार एक अपनी कहानी है। जब महाराणा प्रताप जी और मुगलों का यहाँ पे युद्ध हुआ था, तो ऊपर जो युद्ध हुआ था पहाड़ों पे, तो वहाँ पे काफ़ी सैनिक मारे गए थे। तो इस मिट्टी की सच्चाई ये है कि ये मिट्टी ना थोड़ी थोड़ी लाल है और थोड़ी थोड़ी हल्दी जैसी लगती है। पकड़ियो मैंने एक बार हाथ में भाई, ये देखो कितना वो है इसके अंदर यार, बहुत मतलब रेड से ऐसा लगता है जैसे ब्लड सूख के यहाँ पे वो रखा। तो यहाँ जब लड़ाई हुई थी ना, तो यहाँ भाई बताया जा रहा है भाई खूनों की नदी चालू हो गई थी। ये देखो पीछे देखो, थोड़ी रेड है, थोड़ी इस साइड है, इस साइड देख बिल्कुल हल्दी की। ये देखो पूरी रेड मिट्टी है, पकड़िए ये देखो हल्की हल्की हल्दी, देखो मुंह पे भी थोड़ा पीला पीला पन आ गया इसकी साइडों से, तभी इसे हल्दी घाटी बोला जाता है। बिल्कुल येलो है, ये देखो पीलापन है पूरी, देख लो ना येरी। हाँ येरी ना पूरा, हल्का का रेड भी है यहाँ पे, देख हल्का का रेड भी है। हाँ ये थोड़ा रेड, इसलिए ये सारी लाल है। चुप हो जाओ, इसलिए इसको भाई हल्दी घाटी कहा जाता है। ये देखो ये रेड आ गया, देखो अब रेड आ गया। हाँ। ये रेड आ गया थोड़ा थोड़ा, कहीं येलो है कहीं रेड है, ये ब्लड ही वो हो रखा है इनका। घाटी तो यार बहुत सुंदर लगी मुझे तो सच में, और अभी यहाँ से चल रहे हैं म्यूजियम देखते हैं। म्यूजियम में यार क्या देखने को मिलेगा हमें, बाकी यही है यहाँ पे तो मिट्टी मिट्टी है बस। सो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ चेतक समाधि में। चेतक जो था वो महाराणा प्रताप जी का घोड़ा था, जो एक पाँव से घायल हो जाने के बाद भी यार अपने स्वामी महाराणा प्रताप को यहाँ पे लेके आया था युद्ध से सुरक्षित बाहर निकाल के। तो यार उसने यहाँ पे दम तोड़ दिया था, तो यहाँ पे उसकी समाधि बनाई गई, और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर घोड़ा था जो 24 फुट की छलांग भी कूद गया था। तो मैं आपको अभी समाधि के पास लेके चलता हूँ, समाधि दिखाता हूँ उस घोड़े की। तो भाई आइसक्रीम खा रहे, गला सूख गया थोड़ा उदयपुर की आइसक्रीम। वन लाइफ बेबी, जो भी लो दो लो। सो गाइस हम दोनों ने एंट्री कर लिया, मैंने और अमन ने म्यूजियम में, और मैं दिखाता हूँ आपको भाई ये कितना सुंदर बना रखा है, देखना आप। अभी मूवी थिएटर के अंदर से आया हूँ, मूवी दिखाई गई है अंदर की, और वहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं थी, कैमरा अलाउड नहीं था, सो मैं वहाँ पे वीडियो शूट नहीं कर पाया। सो अभी मैं बाहर आया हूँ, ये देख लो कितना प्यारा व्यू है म्यूज़ियम का। भाई अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए मैं वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाया। एक लड़की ने मोबाइल निकाल लिया तो उसका मोबाइल ही छीन ले गए भाई पुलिस वाले। अंदर काफ़ी अच्छा बना रखा है सब। सो गाइस अब म्यूज़ियम से बाहर आ गए हैं भाई, अब अपनी टैक्सी में बैठते हैं और चलते हैं होटल। काफ़ी थक गए हैं, बहुत अच्छा था अंदर।